आज यात्रा के दौरान हर व्यक्ति चाहता है कि यात्रा सुविधाजनक हो, यात्रा के दौरान समय की बचत हो। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। जी हाँ, दरअसल योगी सरकार ने उन छोटे क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला लिया है जो सीधे हवाई कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े थे। दरअसल योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के 5 शहरों में छोटे एयरपोर्ट्स विकसित किए जाने पर सहमति दे दी है। क्या है ये गुड न्यूज, आप खुद ही देख लीजिए। यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, यूपी के 5 छोटे क्षेत्रों में बनेंगे एयरपोर्ट, हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा बल, क्षेत्र में विकास पकड़ेगा रफ्तार। आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति समय की बचत करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि यात्रा सुविधाजनक हो, साथ ही समय भी कम लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार हवाई क्षेत्रों के कनेक्टिविटी के लिए एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है। दरअसल 2022 में दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। यूपी में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर सरकार प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बल दे रही है और प्रदेश में एयरपोर्ट का जाल बिछा रही है। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के 5 शहरों में छोटे एयरपोर्ट विकसित किए जाने पर सहमति दे दी है जिससे हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके लिए MOU साइन किया है। इन एयरपोर्ट के मेंटेनेंस पर सरकार हर साल 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये एयरपोर्ट 5 शहरों में बनेंगे, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र में ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इससे पहले भी योगी सरकार ने यूपी के कई शहरों में एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। 2012 में यूपी में सिर्फ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, लेकिन अब कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति मिलने के बाद यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या अब 3 हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला राज्य बनने जा रहा है। जल्द ही अयोध्या से और 2022 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। देश में इस समय कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। सबसे ज्यादा 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तमिलनाडु और केरल राज्य में हैं। गोरखपुर, हिंडन, आगरा और प्रयागराज और अब बरेली सहित 5 अन्य एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं। कुशीनगर और अयोध्या एयरपोर्ट के साथ बहुत जल्द यहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। 21 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों के क्रियाशील होने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के रूप में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव पड़ चुकी है। कुशीनगर यूपी का 3रा और देश का 87वां लाइसेंसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। कुल मिलाकर ये एयरपोर्ट उन क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं जहां से हवाई कनेक्टिविटी नहीं है। अब इस फैसले के बाद इन क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी होने से जहां एक तरफ इस क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें कम होंगी, वहीं दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में विकास को भी रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।